दोस्त स्वागत है एमसीक्यू वर्ल्ड में। दोस्तों ये आरआरबी बिलासपुर का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे एलपी टेक्नीशियन का पैनल जारी हुआ है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 18/8/2020 के डेट में यहाँ पे दो ठो पैनल जारी हुआ है, एक प्रोविजनल रिजल्ट ऑफ एलपी टेक्नीशियन और प्रोविजनल रिप्लेसमेंट पैनल। तो चलिए हम लोग बारी बारी से दोनों को देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहले से हमने डाउनलोड कर रखा है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे रेलवे भर्ती बोर्ड बिलासपुर, और दोस्तों ये जो पैनल है वो देख सकते हैं सीएन नंबर 01 असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के लिए है। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पे एक कैंडिडेट को इन पैनल किया गया है, वो ग्रेड 3 ट्रैक मशीन के लिए कैटेगरी नंबर 137 में रोल नंबर यहाँ पर मैंशन है। और रेलवे की बात करें तो इसको जो है एस सी सी आर डिवीज़न में जो इसकी जगह मिली है, टोटल एक कैंडिडेट ही है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे एक कैंडिडेट को जो है वो रिजेक्ट किया गया है, और यहाँ पे इसकी रोल नंबर जो है वो मेंशन किया हुआ है कि क्यों इसको है जो वो रिजेक्ट किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फॉर्मेलिटी है वो इन्होंने जो है वो पूरा नहीं किया, इसीलिए इसको रिजेक्ट किया गया है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं, तो चलिए दूसरी नोटिस को हम लोग देख लेते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड बिलासपुर सीजन नंबर 01/2018, और ये जो रिप्लेसमेंट पैनल है वो एलपी टेक्नीशियन का है, और आप यहाँ पे आज का डेट देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये जो रिप्लेसमेंट पैनल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोविजनल पार्ट पैनल फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन इन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे अगेंस्ट द कैंडिडेट हु डिड नॉट टर्न अप। वैसे कैंडिडेट जो रेलवे में एक बार ज्वाइन तो कर लिए, लेकिन उसके बाद दोबारा से फिर रेलवे में वो गए नहीं। जो कैंडिडेट जो है डिड नॉट टर्न अप, जो टर्न अप नहीं हुए हैं उनकी जगह पे यहाँ पे रिप्लेसमेंट दिया गया है। तो दोस्तों ये जो पैनल है वो खुशियों से भरा हुआ है, तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। कैटेगरी नंबर 1 में देख सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट के लिए टोटल 38 कैंडिडेट को इन पैनल किया गया है। आगे हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी नंबर 14 में आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज के लिए आप देख सकते हैं 2 कैंडिडेट को जो है इन पैनल किया गया है। आगे हम बात करते हैं तो कैटेगरी नंबर 25 में देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 गैरेज एंड वैगन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 कैंडिडेट को जो है इन पैनल किया गया है। आगे हम बात करते हैं कैटेगरी नंबर 34 में आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 6 कैंडिडेट को जो है इन पैनल किया गया है। आगे हम बात करते हैं तो दोस्तों कैटेगरी नंबर 62 में आप यहाँ देख सकते हैं 1 कैंडिडेट को इन पैनल किया गया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर के लिए। कैटेगरी नंबर 134 में दोस्तों अगर बात करते हैं तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो है वो 38 कैंडिडेट को जो है इन पैनल किया गया, रोल नंबर भी यहाँ पे सबका मेंशन है। आगे हम यहाँ पे अगर बात करें तो कैटेगरी नंबर 136 में आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों टोटल जो है वो 10 कैंडिडेट को जो है इन पैनल किया गया है। आगे हम बात अगर करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी नंबर 137 में टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन के लिए यहाँ पे टोटल जो है 5 कैंडिडेट को जो है इन पैनल किया गया है। तो दोस्तों अगर टोटल कैंडिडेट की हम अगर बात करें तो 93 कैंडिडेट को यहाँ पे इन पैनल किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कैंडिडेट को जो है अभी भी विथहेल्ड में यहाँ पे रखा गया है, टोटल 105 कैंडिडेट हैं जिनको विथहेल्ड में रखा गया। और विथहेल्ड में क्यों रखा गया है तो यहाँ पे उसका जो है वो साफ साफ रीजन यहाँ पे दिया हुआ है कि रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट हैज बीन केप्ट विथहेल्ड फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंप्लेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है पेंडिंग ऑफ री मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट। दोस्तों इन लोग का जो है किसी का इन्वेस्टिगेशन बाकी है और किसी का जो है वो री मेडिकल एग्जामिनेशन है, इसीलिए जो है इन लोग को जो है विथहेल्ड में रखा गया। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कट ऑफ दी हुई है, यहां पे कैटेगरी वाइज मेंशन किया हुआ है कि किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई है, यूआर की, एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन और एलडी या ओएल का, यहां पे भी आप सारे को कट ऑफ देख सकते हैं। और आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।